योग गुरुदेवा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल योगा विद्यावा के माध्यम से आपके पास लेकर आया हूँ। इस आसन का नाम है अर्ध मच्छंद्रासन। महर्षि मच्छंद्रासन के नाम के अनुसार इस आसन का नाम रखा गया है अर्ध मच्छंद्रासन। ये काफी बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत आसन में एक माना जाता है। इस आसन करने से क्या फायदा मिलेगा, पहले मैं बताता हूँ आपसे क्या फायदा है। इस आसन करने से अंगों का हड्डियाँ, मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी ताकत भी मिलता है। अपने हाथों को, मांसपेशियों को काफ़ी ताकत मिलता है। अपने पानक्रियाज काफ़ी एक्टिव होता है। ये मोटापा के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। ये शरीर को काफ़ी लचीलापन बनाता है। इस आसन को कैसे आप आसानी से कर पाएंगे, इसका मैं सही तरीका बताऊंगा। आप आराम से बैठ के कैसे मैं करता हूं। इस आसन करने से पहले आप थोड़ा इस पोजीशन में आ जाइए। इसको बोलते हैं दंडासन, बोलते हैं इस पोजीशन को। इस आसन करने से पहले आप अपने दोनों पैरों को लचीलापन करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा। फिर देखिए मैं कैसे अपनी दोनों पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता हूँ। ऐसे अपने पैरों को आगे पीछे कीजिए, ऐसे आगे पीछे कीजिए और क्लॉकवाइज अपने पैरों का एक्सरसाइज कीजिए। देखिए मैं कैसे करता हूँ क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, अपने दोनों का पैरों का एक्सरसाइज कीजिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। जो बिगनर्स हैं, पहले आप बकरासन कीजिए, क्योंकि बकरासन करने से थोड़ा अपनी आदमियों का थोड़ा हाथ, फिर मांसपेशियाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल बन जाता है। देखिए कैसे मैं करता हूँ बकरासन। पहले आप अपने दाएं पैर को सीधा रखिए, देखिए कैसे मैं सीधा रखा, लाइक स्टिक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा सीधा लाइक स्टिक। फिर अपनी बाएं पैर को अपनी दाएं घुटने के पास सटा के रखिए, देखिए मैं कैसे सटा के रखा हूँ। फिर अपनी दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने के बाहर लीजिए, ऐसे बाहर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी दाएं पैर को पकड़िए और पीछे मुड़ती हो, पीछे मुड़ के देखिए, लुक बैक, ऐसे छूने से कुछ फायदा नहीं, ऐसे पकड़ना होगा और पीछे की ओर देखिए। फिर दूसरे छोर पर कीजिए, अपनी बाएं पैर को सीधा रखिए लाइक स्टिक। फिर अपनी बाएं हाथ से अपनी बाएं पैर को जोर से पकड़िए और पीछे की ओर देखिए। दोस्तों, ये रहा बकरासन। जो बिगनर्स हैं उनके लिए पहले बकरासन करना जरूरी है, फिर उसके बाद आप अर्ध मच्छंद्रासन कर पाएंगे। आप देखिए कैसे मैं अर्ध मच्छंद्रासन करता हूँ। पहले आप अपने दाएं पैर को इसे थोड़ा मोड़ के रखिए, फिर अपनी बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर रखिए, ऐसे नहीं, भीतर अंदर नहीं, आप बाएं घुटने को, बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर रखिए, देखिए मैं कहीं से बाहर रखता हूँ। फिर अपनी दाएं हाथ से अपनी बाएं पैर पकड़िए और पीछे मुड़ की ओर मुड़ के देखिए। दोस्तों, ये रहा अर्ध मच्छंद्रासन। हम आप दूसरे छोर पर करके दिखाएंगे, आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। अपनी बाएं पैर को इस पोजीशन में लाइए, अपनी फिर अपनी दाएं पैर को अपने बाएं घुटनों के बाहर रखिए, ऐसे अंदर नहीं, बाहर रखिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाएं हाथ से अपनी दाएं पैर को पकड़िए, जोर से पकड़िए और पीछे की ओर मुड़ के देखिए।
ये पेट की पेट के लिए मोटापे के लिए काफी लाभदायक, पैनक्रियाज एक्टिव करता है, शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है। दोस्तों ये रहा पक परफेक्ट अर्ध मत्स्यासन। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।